नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। खबर कानपुर के बिठूर से। बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारा मऊ में कल 26 जून को एक FIR दर्ज कराई गई, जिसमें वहीं के रहने वाले नारा मऊ क्षेत्र में एक मदरसे के मौलवी कारी मोहम्मद ने छात्रा के साथ 1.5 साल तक दुष्कर्म किया। छात्रा के परिजनों की तरफ से उक्त तहरीर पर मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला ये है कि बिठूर के नारा मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मदरसे में मौलवी करी मोहम्मद ने वहीं की पड़ोस में रहने वाली छात्रा जो वहां पढ़ने आती थी के साथ 1.5 साल से दुष्कर्म करता रहा है। छात्रा ने परिजनों को जब अपनी आपबीती बताई तो परिजनों की तहरीर पर बिठूर थाना क्षेत्र ने FIR दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में ACP ने जानकारी दी है कि आरोपी को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जा रही है और आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। दिनांक 26 जून 2023 को थाना बिठूर के नारामऊ क्षेत्र से संबंधित एक मामला सामने आया, जिसमें यह थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि स्थानीय मदरसे के मौलवी, जिनका नाम मोहम्मद कारी उर्फ मोहम्मद अहमद है, के द्वारा इसी मदरसे में पढ़ने वाली पूर्व छात्रा जो इनकी पड़ोस में ही रहती थी का शारीरिक रूप से शोषण किया गया है। ऐसी जानकारी उस छात्रा के परिजनों ने दी। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया इस अभियुक्त के विरुद्ध। इसके बाद में थाने ने इस अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी, जिसमें कामयाबी हासिल हुई और इस अभियुक्त को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त से पूछताछ में अभियुक्त ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा एकत्र कृत्य किया गया था। इस मामले की अभी विवेचना प्रचलित है और इसका आगे शीघ्र विधिक निस्तारण किया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा।